दोस्त होंगे, मेरा नाम है रियान और मैं आ गया हूँ एक और हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर के, जिसका नाम है हाइस्ट। ये 2015 में रिलीज हुई थी और एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। बात करते हैं इस फिल्म में क्या खास है जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट की, जिसमें हमें नजर आते हैं रॉबर्ट डी नीरो, एफ्री डीन मॉर्गन एंड डेव बटिस्टा, जिन्होंने इस फिल्म में बेहद शानदार काम किया। सभी ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। जो एक पिता के अराउंड लिखी हुई, जो एक कसिनो में काम करता है, जिसे अपनी बीमार बेटी की सर्जरी के लिए चाहिए बहुत सारे पैसे, जो उसे सीधे रास्ते से नहीं मिलते हैं, जिसके लिए उसे अपने ही कसिनो में रॉबरी करनी पड़ती है, जो कि एक प्लान के अनुसार की जाती है। लेकिन ये प्लान बीच में ही बिगड़ जाता है और उसके एक साथी को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक चलती बस में चढ़ना पड़ता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर हैं। तो ये एक 1.5 घंटे की फिल्म है, जिसमें 1 घंटा फिल्म बस में ही चलती है, क्योंकि बस के पीछे है पुलिस और वो गैंगस्टर जिनका उन्होंने पैसा चुराया है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वोंग किस तरह उन गैंगस्टर से और पुलिस से अपना पीछा छुड़ाएगा, क्या वो अपनी बेटी की सर्जरी के लिए टाइम पे पैसे पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, ये सब आप आगे फिल्म में देखेंगे। तो बात करें इस फिल्म के एक्शन की, तो ये एक एक्शन फिल्म है, बट फिल्म में कोई भी इंप्रेसिंग एक्शन सीन हमें देखने नहीं मिलता है। और ये एक थ्रिल भी ठीक ठाक है, बट कुछ खास नहीं है, ये एक टोटल एवरेज फिल्म है। वैसे तो ये जब आई थी तो ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बट मुझे एक एवरेज फिल्म लगी। फिल्म आपको बोर नहीं करेगी, बट फिल्म में कुछ आपको इंप्रेस देखने नहीं मिलेगा। फिल्म की स्टोरी ठीक ठाक है और कुछ बीच में कुछ इंप्रेसिंग सीन आएंगे, बट वो आपको ज़्यादा देर बांध के नहीं रख पाएंगे। तो एक एवरेज फिल्म है, जिसको IMDb रेटिंग मिली 6.1 out of 10, जो कि बहुत ज़्यादा है, इस फिल्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मेरी मानो तो आप इस फिल्म को इग्नोर करें, और मेरी तरफ से इस फिल्म को 10 में से 5 स्टार। तो मैं आपको मिलूंगा किसी और मूवी की रिव्यू के साथ, तब तक आप इस फिल्म को देख भी सकते हैं और ना भी देख सकते हैं, कुछ खास फिल्म नहीं है।